Hello everyone. So today in this video, we will start first topic of chapter 6, that is, what are life processes? The maintenance functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particular, even when we are just sitting in class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The processes which together perform this maintenance job are life processes. अब हम समझने का कोशिश करेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, सबके बॉडी में क्या है? एक मेंटेनेंस वर्क हो रहा है, एक मेंटेनेंस जॉब परफॉर्म हो रहा है। ये एक्चुअली मेंटेनेंस वर्क क्या है? तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यही सब क्या है? यही सब सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखने में मदद करते हैं। और ये सब कब परफॉर्म हो रहे होंगे? ये हर वक्त हमारे बॉडी में क्या होता है? अपना परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, भले हम सो रहे हो या फिर जगे हुए हो या फिर कुछ दूसरा काम कर रहे हो। अब ये जो प्रोसेसेस है, मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस हो गया डाइजेशन का, या फिर हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो एक्सक्रेशन का प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेसेस जो है वो एक साथ मिल करके हमारा बॉडी को क्या करते हैं? मेंटेन करके रखने में मदद करते हैं। और यही सबको एक साथ क्या बोला जाता है? लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। अब ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस कर रहे हैं जो भी सिस्टम, उनको क्या करना है? उनको हम लोग को डैमेज होने नहीं देना है और उनका ब्रेकडाउन होने भी नहीं देना है। तो उसके लिए क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? उस चीज के लिए हम लोग को एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, या फिर जो लाइफ प्रोसेस करने के लिए जो भी सिस्टम है उनको भी रन करने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ता है? एनर्जी का जरूरत पड़ता ही है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एनर्जी जो है हम लोग को ऑब्टेन हो कहाँ से रहा है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, so there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organisms which we call food to the inside, a process we commonly call nutrition. अब बोला गया है कि ये एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन होगा? तो ये एनर्जी जो है वो ऑर्गेनिजम्स में बॉडी के बाहर से ऑब्टेन किया जाएगा। अब इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए एक ऐसा प्रोसेस चाहिए जो कि एनर्जी का सोर्स बाहर है बॉडी के, उसको कहाँ लाया जाए? उसको बॉडी के अंदर लाया जाए। मतलब यहाँ पे एनर्जी का जो बात किया गया है, सोर्स ऑफ एनर्जी का बात किया गया है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ नहीं बल्कि हमारा फूड है, जिसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? जिसको अपने एनवायरमेंट से ऑब्टेन करते हैं अलग अलग फॉर्म में। और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू एनर्जी को बाहर से बॉडी के अंदर लिया जाता है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। Since life on earth depends on carbon-based molecules, most of these food sources are also carbon-based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can use different kinds of nutritional processes. अब सिर्फ organisms के body को, अगर organisms के body का size को अगर grow करना है तो क्या होगा? तो सिर्फ नॉर्मल फूड से काम नहीं चलेगा, उनको कुछ एडिशनल मटेरियल भी चाहिए होगा। किसके साथ? फूड के साथ, जिसके कारण से उनका बॉडी का जो साइज है उसमें अच्छा से ग्रोथ हो। अर्थ पे जितना भी लाइफ फॉर्म्स है वो किस पे डिपेंड है? वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे ही डिपेंड है। अधिकतर जो भी फूड हम लोग ऑब्टेन करते हैं एनवायरमेंट से, वो क्या बेस्ड होता है? वो कार्बन बेस्ड होता है, मतलब उनमें कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। अब कार्बन जो है वो एक ही फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, वो अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट है। उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं? अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस के थ्रू इस कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स का यूज करके एनर्जी को डिराइव करते हैं और अपना लाइफ प्रोसेस को कैरी करते हैं। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड। अब बॉडी के बाहर से हम लोग को एनवायरमेंट से अगर एनर्जी ऑब्टेन करना है तो उनमें क्या होगा? उनमें सारे एनर्जी एक तरह के नहीं होंगे, उनमें क्या होगा? कुछ परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलेगा, कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा अलग अलग एनर्जी के सोर्सेस में। सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। अब ऐसा क्यों है? अलग अलग तरह का सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग को देखने को क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो एनवायरमेंट है वो किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स है जो अलग अलग तरह के एनर्जी को क्या करें? सिंथेसाइज करें। इसीलिए हम लोगों को जब बॉडी के बाहर से एनर्जी ऑब्टेन करना है तो क्या होगा? अलग अलग तरह का एनर्जी का फॉर्म्स देखने को मिलेगा। दीज सोर्सेस ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीडेड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू ए यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज फॉर वेरियस मोलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर मेंटेनिंग लाइफ स्ट्रक्चर एज वेल एज टू द
kind of molecules the body needs to grow. अब जो हम लोग अलग अलग सोर्सेस ऑफ एनर्जी को ऑब्टेन किए हैं बॉडी के बाहर से, मतलब जो अलग अलग फूड हम लोग, अब जो ये यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी ऑब्टेन हुआ, उस एनर्जी का यूज क्या है, तो उसको उसका यूज अब जो ये यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी ऑब्टेन हुआ उस एनर्जी को क्या में यूज किया जाएगा, उसको मोलिकुलर मूवमेंट में यूज किया जाएगा. मीन जो मोलिकुलर को मूव करना है लाइफ का स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, उस मूवमेंट में इस यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज किया जाएगा. और साथ ही साथ जो हमारा बॉडी का ग्रोथ है उसके लिए भी क्या होगा, उसके लिए भी इसी यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करके हमारा बॉडी का ग्रोथ में हेल्प मिलेगा. फॉर दिस ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी. अब इन मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन के लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस का हमारा बॉडी को जरूरत पड़ेगा. ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मींस टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स. अब किस किस रिएक्शन का जरूरत पड़ रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन जो है वो सबसे कॉमन केमिकल मींस है जिसके द्वारा हम लोग इस मॉलिक्यूल्स का क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं. फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. अब इस काम के लिए ये जो मॉलिक्यूल्स है इनका ब्रेकडाउन के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को बॉडी के बाहर से ऑब्टेन करते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेस फॉर सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन. ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑक्सीजन को बॉडी के बाहर से ऑब्टेन किया जाता है और उसके बाद उनको फूड का ब्रेकडाउन में यूज किया जाता है, किस काम के लिए, सेलुलर नीड्स के लिए. मतलब सेल्स के अंदर जो एनर्जी का जरूरत होगा वो कैसे फुलफिल किया जाएगा, वो फूड का ब्रेकडाउन किया जाएगा ऑक्सीजन के द्वारा और उसके बाद एनर्जी रिलीज होगा. इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं. इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन द कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट. अगर हम बात करें सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की तो इनमें क्या होता है, इनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं रहता है. मीन्स कोई पार्टिकुलर ऑर्गन नहीं रहता है कोई पार्टिकुलर काम को अंजाम देने के लिए. जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कोई पार्टिकुलर ऑर्गन नहीं होगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए कोई पार्टिकुलर ऑर्गन नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि इनका जो पूरा बॉडी सर्फेस है, इनका जो एंटायर बॉडी सर्फेस है वो किसके कॉन्टेक्ट में है, ये डायरेक्टली एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में रहता है. बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स. लेकिन अगर जब ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज जो है वो अगर इंक्रीज कर रहा है या फिर उनका जो बॉडी डिजाइन है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, फिर क्या होगा. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इनमें जितना भी सेल्स है वो सारे सेल्स जो है वो एनवायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं रहते हैं. इसीलिए दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स. इसीलिए जो सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है उसके थ्रू सारे सेल्स का रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया जा सकता है. एज वी हैव सीन प्रीवियसली इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म. हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. इनमें बॉडी के अलग अलग पार्ट जो है वो अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग फंक्शन करने के लिए क्या होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं. उनका काम ही फिक्स रहता है कि इस ऑर्गन को यही काम करना है. वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज टिश्यूज एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. इस आइडिया से हम लोग फेमिलियर है, जूनियर क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के क्या होते हैं, सिस्टम्स प्रेजेंट है. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है सब ऑर्गन्स का क्या है, अपना अलग अलग काम जो है वो डिवाइड किया हुआ है. इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज टिश्यू. तो इसमें सरप्राइज वाली कोई बात नहीं है कि अगर बॉडी हमारा कॉम्प्लेक्स है तो अलग अलग ऑर्गन जो है वो अलग अलग काम के लिए फंक्शन है. तो फूड का एब्जॉर्प्शन के लिए अलग ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होगा और ऑक्सीजन का टेकिंग के लिए अलग ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होंगे. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organisms while all part of the body need them. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जा रहा है. फूड जो है वो बॉडी का एक अलग ऑर्गन एब्जॉर्ब कर रहे हैं
और ऑक्सीजन जो है वो अलग ऑर्गन के द्वारा लिया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, लेकिन इनका जरूरत कहाँ है? तो इनका तो जरूरत फूड और ऑक्सीजन का जरूरत बॉडी के हर एक सेल तक है, हर एक पार्ट को क्या है, हर एक ऑर्गन को इस फूड और ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। लेकिन इसको ऑब्जर्व कौन कर रहे हैं? इसके ऑब्जर्व तो कोई पार्टिकुलर दो ऑर्गन ही कर रहे हैं, फूड को एक ऑर्गन ऑब्जर्व कर रहा है और ऑक्सीजन को एक ऑर्गन ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। अब क्या हो गया? अब एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जरूरत पड़ गया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि जो फूड और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ था अलग अलग पार्ट में बॉडी का, उनको क्या करना है, उन फूड को क्या करना है, बॉडी के हर एक पार्ट तक क्या कर देना है, पहुंचा देना है। तो पहुंचाएगा कौन? पहुंचाएगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम होगा कि फूड और ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक पार्ट तक क्या किया जाए, पहुंचा दिया जाए। व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल। अब क्या हो रहा है? अब जब केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, कार्बन का ब्रेकडाउन हो रहा है किसके मदद से, ऑक्सीजन के मदद से, तब क्या होगा, तब एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है ना। एनर्जी का जनरेशन होगा कब? जब कार्बन सोर्स फूड का ब्रेकडाउन किया जाएगा ऑक्सीजन के मदद से किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, और उस समय जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो बाय प्रोडक्ट क्या है, वो सेल्स के लिए कोई यूज का चीज नहीं है, साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ वो सेल्स का बॉडी के लिए क्या होगा, हार्मफुल ही साबित होता है। दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रिएशन। इसीलिए इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करना है, इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के बाहर निकाल देना है, और ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा बॉडी से जो भी बाय प्रोडक्ट्स है, अनवांटेड सब्सटेंस है, उसको बाहर निकाला जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन कहते हैं। अगेन इफ द बेसिक रूल फॉर बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड, ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रिएशन विल बी डेवलप्ड, व्हिच मींस दैट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम सेल्स टू दिस एक्सक्रिएटरी टिश्यूज। अब जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इनमें अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टिश्यूज जो क्या होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो जो एक्सक्रिएशन हुआ, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हुआ बॉडी में, उनको क्या करना है, उनको भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, कहाँ तक, एक्सक्रिएटरी टिश्यूज तक, जहां से उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर थ्रो आउट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए एक और हम लोग को किसका जरूरत पड़ गया, एक और सिस्टम का जरूरत पड़ गया, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। आगे चल करके हम लोग इसके बारे में इसी चैप्टर में और डिटेल में स्टडी करेंगे।